अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आई हूँ जो कि अक्सर ये होता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी बग़ैर दर्द के हो सकती है, या पुराने ज़माने की एक मिथ है कि दर्द अच्छी आएगी तो ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज का ये वीडियो सेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आज मैं बताऊँगी कि पेनलेस डिलीवरी क्या है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया क्या है, किनको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है और कब दिया जाता है। देखें जी, ओपीडी में अक्सर मैंने ये देखा है कि वो ख़वातीन जिनकी ये पहली प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही परेशान होती हैं, घबराई हुई होती हैं, इर्द गिर्द के जो है ना ख़वातीन से जिनके पहले दो या तीन बच्चे हों उनसे पूछ रही होती हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है ना लेना चाह रही होती हैं कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई थी, जचकी के दौरान जचकी की दर्दें किस तरीके से थी। तो बहुत ही परेशान होती हैं और उसी परेशानी से और उस दर्द के खौफ से वो पहले से ही जहन में ये बना लेती हैं कि हम तो जी ऑपरेशन ही करवाएंगे, हम बड़े ऑपरेशन की तरफ ही जाएंगे। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यानी पेनलेस डिलीवरी एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, होता इस तरीके से है कि ऐसी ख़वातीन जब हमारे पास जो है ना लेबर पेन के साथ आती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, प्रोग्रेस भी ठीक चल रही है, पेन्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 to 2 centimeter पे पहुंचती हैं वो दर्द को बर्दाश्त करने की कुव्वत ही नहीं रखती और फौरन ही कहती हैं बस जी मेरा तो बड़ा ऑपरेशन करते, मैंने ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं करना। वो पेन थ्रेशोल्ड को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखती होती और बड़े ऑपरेशन की डिमांड करना शुरू कर देती हैं। तो उनके लिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आप ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है कौन लगाता है, कैसे है, किस तरीके से, इसके ऊपर बात करेंगे। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एनेस्थेटिक ही लगाता है, गायनाकोलॉजिस्ट नहीं लगाता। उसी तरीके से होता है कि ओटी में जाके वही एनेस्थेटिक जो कि आपके बड़े ऑपरेशन में सी सेक्शन में स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है वही ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ही देता है। और ये उसी तरीके से होता है कमर में रीढ़ की हड्डी में एक छोटा सा प्रिक करके लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब ये कब दिया जाता है, देखें जी जो ये पेनलेस डिलीवरी है ना ये 100% जो है ना पेनलेस नहीं है, 30 to 40% का जो सफ़र है वो आपने तय करके आना है। और वो इस तरीके से कि जब भी लेबर पेन स्टार्ट होंगी तो आपने जो है ना जब हॉस्पिटल आना है तो वेट किया जाता है कि जब तक आप एक्टिव फेस ऑफ लेबर में एंटर नहीं हो जाती, जब तक आपकी बच्चेदानी का मुंह 3 to 4 centimeter खुल नहीं जाता, उससे पहले नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर दे दिया जाए तो उसमें फीटल मॉनिटरिंग बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से ये आपके एक्टिव फेस में जब आप 3 to 4 centimeter डायलेट होंगी तभी दिया जाएगा। इसके अब फ़वाद क्या हैं, होता क्या है, होता ये है कि जब इसको दिया जाता है इसमें ये है कि बच्चे के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मदर कंफर्टेबल रहती है, अनड्यू जो है ना अनइंडिकेटेड सी सेक्शन से बचा जा सकता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं, पेन सेंसेशन कम होती है, मदर रूम में अच्छे तरीके से वॉक कर सकती है, कोई भी लिक्विड इनटेक ईजिली ले सकती है। अब ये दिया, इसकी प्रिपरेशंस क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है, आईवी फ्लूड दिए जाते हैं, एनेस्थेटिक आपके पास आके आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, आपकी पल्स बीपी को चेक करता है, लैब्स देखता है और उसके साथ आपके बच्चे की दिल की धड़कन फीटल और मटर्नल दोनों मॉनिटरिंग शुरू हो जाती हैं। बैक पे आपको बिठा के क्लियर करके जो स्पाइनल लेवल है उसके ऊपर यानी स्पाइन में एक लेवल के ऊपर एक छोटा सा प्रिक करता है, पहले उसको सुन करता है और उसके बाद प्रिक करके लोकल एनेस्थीसिया दे देता है। एपिड्यूरल किट अवेलेबल होती है और उसके बाद वो आपके पास ही रहता है, उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। इसका ऑनसेट ये प्रोसीजर 15 मिनट का है और 15 मिनट में ही इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है और ये लास्ट करता है 4 से
5 घंटे तक। अब इसमें होता क्या, होता ये है कि जो भी हमारे लोअर एब्डोमेन है, यानी लोअर एब्डोमेन हो गया, लोअर लिम्स होंगी, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पे जो सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन को, पेन सेंसेशन वाले, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। मोटर सेंसेशन को नहीं, सिर्फ पेन सेंसेशन। उसमें ये होता है कि आपको दर्द उस तरीके से फील नहीं हो रही होती, ठीक। हर इंसान का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें भी टॉपअप होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पेन थ्रेशोल्ड के ऊपर, अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती है उस हिसाब से हम इस डोज को भी टॉपअप करते चले जाते हैं। देखिए जी, हर इंसान के पास पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। कुछ खवातीन जी इतना बर्दाश्त रखती हैं कि वो आती हैं, लेबर पेन्स भी लेती हैं और उसी पेन्स में डिलीवर भी हो जाती है, और उनमें उनका बहुत बड़ा रोल होता है उनकी अपनी फिटनेस के ऊपर, प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के ऊपर, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी फिटनेस पे, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी एक्सरसाइज पे, और उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो ईजिली डिलीवर हो जाती हैं। अब जो आता है वो ये है कि इसके नुकसानात क्या है। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जी हेडेक हो सकता है, बैकएक हो सकता है, जो आपकी लेबर की डिलीवरी का जैसे टाइम था 6 घंटे, वो प्रोलॉन्ग हो सकता है 8 घंटे हो सकता है। जो लेबर का सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, उसमें फिर वैक्यूम लग सकता है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस फिर भी हैं। अब ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको हम जो है ना ये नहीं लगाते हैं? ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कोई बैकएक का प्रॉब्लम हो, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, या कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो, उनको हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं लगाते। हाँ, उन केसेस में जिनमें वो चांसेस कम हैं लेकिन फिर भी हैं, तो उसमें हम दे सकते हैं, पर एनेस्थेटिक थ्रू आउट उनके साथ रहता है, ताकि अगर किसी टाइम भी इमरजेंसी सी सेक्शन की ज़रूरत पड़े तो फौरन ही उसे ओटी में शिफ्ट करके फौरन ही उसका ऑपरेशन किया जा सके। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी भी टाइम पे इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर उसी कैथेटर के थ्रू स्पाइनल एनेस्थीसिया दे के इमरजेंसी सी सेक्शन किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेनलेस डिलीवरी किस तरीके से होती है, कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, क्या ऑनसेट है, और किन को दिया जाता है और किन को नहीं दिया जाता। तो इसीलिए प्राइमरी ग्रेविडर्स घबराएं नहीं, और जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को के ऑप्शन को अपनाएं, और जो है ना अगर कोई क्योरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार